नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मासूम अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल वल्ला। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे BCEC के तहत एग्रीकल्चर, फार्मेसी और BSc नर्सिंग के बारे में, फॉर्म के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं वो भी मोबाइल से हम आपको भर के बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, जिससे दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले गूगल क्रोम में आ जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे BCECE, सिंपली ये करके बस सर्च करेंगे। हम रिडायरेक्ट हो गए हैं BCECE के होम पेज पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम करेंगे तो ऑनलाइन पोर्टल ऑफ BCECE 2020। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइज चूज़ कर लेंगे, जिससे कि हमें आसानी होगी। तो दोस्तों, उसके बाद ये 2 नंबर पे जो है, इसको जो है क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो 2 नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे तो हम ऐसा एक कुछ इंटरफेस आएगा। तो ऐसा इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। सबसे पहले यहाँ अप्लाई नाउ का जो है ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। अप्लाई नाउ का ऑप्शन में क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आएगा, हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा जिसमें यहाँ लिखा हुआ होगा एग्जिस्टिंग। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो साइन इन करेंगे, अगर आपने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो आप साइन इन करके सिंपली अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर न्यू यूज़र जो है इसमें आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थोड़ा समय लग रहा है दोस्तों। तो ये पेज खुल गई है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ग्रुप चूज़ करने के लिए कह रहा है, सबसे पहला ऑप्शन में यहाँ पर कह रहा है कि जो ग्रुप चूज़ करने के लिए, यहाँ पर सबसे पहले इसमें आप ग्रुप चूज़ करिए कि जो आप किस ग्रुप में भरना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, PCM के तहत है, PCB है, एग्रीकल्चर साइंस है और PCMB मैथ बायोलॉजी टोटल है। तो हम यह कर रहे हैं कि जो PCMB यह सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि अगर आप जिस इसमें भरना चाहें, आप एग्रीकल्चर भरना चाहें एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप PCM के तहत भरना चाहें तो PCM कर सकते हैं, और अगर आप PCB के तहत करना चाहें तो आप PCB कर सकते हैं। तो चलिए हम एग्रीकल्चर के तहत ही आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाते हैं। तो अब यहाँ कह रहा है कि जो सब्जेक्ट पास्ड या अपीयर्ड, तो यहाँ पर आपको सिंपली सब्जेक्ट चूज़ करना है, पास्ड है या अपीयर है। तो यहाँ CBA एग्रीकल्चर के तहत, यानी कि जो केमिस्ट्री बायोलॉजी और एग्रीकल्चर साइंस के तहत आप चूज़ कर लीजिए। तो सबसे पहली बात, उसके बाद आपका यहाँ आएगा नेम भरने के लिए आएगा, यह हुआ आपका नेम। तो आप यहाँ पर सिंपली फर्स्ट नेम लिखेंगे, तो हम फर्स्ट नेम लिखते हैं। दोस्तों, आप एक बात ध्यान में ये रखें कि आपको टोटल जो है फॉर्म में जो फिलअप करना है, हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करना है, आप स्मॉल लेटर का यूज नहीं करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं टेक्निकल मिडिल नेम और लास्ट नेम, लास्ट नेम में हम लिखते हैं वल्ला। तो यहाँ पर कह रहा है रीइंटरियर नेम, तो रीइंटरियर नेम में हम फिर से लिखते हैं टेक्निकल लास्ट नेम में लिखते हैं। लास्ट नेम में लिखते हैं
नेम फिलअप करने के बाद डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। जैसे कि जो मैं ले लेता हूँ 1 जनवरी, सपोज डेट 1996। ठीक है दोस्तों, अब री इंटर डेट ऑफ बर्थ करेंगे 1 जनवरी 1996, इंटर कर लिया। उसके बाद आप कह रहा है कि अगर आप परमानेंटली बिहार के निवासी हैं, तो मैं परमानेंटली हूँ तो यस कर देता हूँ। और उसके बाद कह रहा है कि रेसेंट ईयर क्या आपके माता पिता अस्थाई हैं, तो ठीक है मेरे माता पिता भी अस्थाई हैं। उसके बाद रिजर्वेशन, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, चाहे तो आप यूआर से आते हों, चाहे आप यूआर से आते हों या बैकवर्ड क्लास से आते हों या एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास से या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइबल से, जिससे भी आप आते हों उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं अगर ईबीसी में आता हूँ तो ईबीसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कास्ट को फिर से चूज करने के लिए ईबीसी। और उसके बाद अगर आप दिव्यांग कोटा के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर डू यू क्लेम डिसेबल कोटा, अगर आप दिव्यांग कोटा के अंतर्गत आते हैं तो आप यस चूज कीजिए, अगर नहीं तो फिर नो चूज कीजिए। तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी भरने के लिए कह रहा है, ईमेल आईडी भर देते हैं। फ्रेंड्स मैंने ईमेल आईडी डाल दी है। पासवर्ड पे आप हमेशा जो यूज करेंगे तो पासवर्ड एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल लेटर, और उसके बाद जो है एक स्पेशल करेक्टर में से कुछ भी, जैसे $ या स्टार कुछ का भी आप ये कीजिए। तो मैं $ देता हूँ, 1 2 3। पासवर्ड आप ऐसे क्रिएट करेंगे। मैंने पासवर्ड दे दिया, मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन के तहत सिक्योरिटी क्वेश्चन मांग रहा है आपका जो भी है। फर्स्ट टीचर हम दे देते हैं, फर्स्ट टीचर का नाम जैसे कि हम कुछ भी दे देते हैं, ये जो राकेश, इस तरह से आप कुछ भी क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। उसके बाद ये कैप्चा जो है यहाँ पर फिल कीजिए, उसके बाद एंटर हो जाइए। पी साइन अप कर दीजिए। तो दोस्तों सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आपका सब चीज़ सही है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस जगह कंफर्म करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मैंने कंफर्म कर दिया है क्योंकि मेरा सब चीज़ सही है। अब दोस्तों उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, एक्टिवेशन कोड के इसमें, तो इंटर एक्टिवेशन कोड करेंगे, जो कि हमारा मैसेज में आ चुका है ईमेल और इसमें दोनों। तो चलिए एक्टिवेशन कोड को, तो हमने ओटीपी डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद सबमिट बटन में क्लिक करते हैं। तो मैंने सब चीज़ डाल दिया, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा, जो कि लॉगिन करने के लिए दिया जाएगा, जो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने बनाया है, बनाया होगा पीछे में रजिस्ट्रेशन में, उससे आप लॉगिन हो सकते हैं। तो चलिए हम लॉगिन हो जाए। तो दोस्तों मैंने लॉगिन होकर यहाँ पर मैं यहाँ आ गया हूँ, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ये पूरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही है, जैसा कि मैंने रजिस्ट्रेशन करके आया था वो भी है, और माता पिता का नाम, जेंडर मेल फीमेल वही सब है। तो चलिए मैं इसको फिर से फिलअप कर देता हूँ। दोस्तों मैंने देख लिया पूरा ये फॉर्म को फिलअप कर दिया है। तो दोस्तों जो एक बात जो मेन इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पर मार्क आइडेंटिफिकेशन है आपका, जो भी कहीं पर मोल हो या कट मार्क्स हो, जो भी हो, वो आपको यहाँ पर सही सही फिलअप कर देना है, ताकि आगे चल के परेशानी ना हो। बाकी बात रही कि जो यहाँ पर एड्रेस है, अपना एड्रेस मैंने फिलअप कर दिया है, जो कि अगर आपका
परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक करके आप आगे सबमिट कर सकते हैं। तो सबमिट एंड कंटिन्यू पर कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ गया है फोटो अपलोड सिग्नेचर, अपलोड हिंदी सिग्नेचर और अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर। तो यहाँ पर दोस्तों हम सिग्नेचर और फोटो को अपलोड कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने फ़ोटो सिग्नेचर दोनों अपलोड कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जानकारी यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है कि जो यहाँ पर सिग्नेचर जो है इंग्लिश सिग्नेचर में भी यहाँ क्या कह रहा है कि लेस देन 100 KB ओनली JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, और हिंदी सिग्नेचर में भी वही इन्फॉर्मेशन है जो कि आपका 100 KB से कम का होना चाहिए, और फ़ोटो में भी आपका वही इन्फॉर्मेशन है कि 100 KB से कम का होना चाहिए फ़ोटो आपका। तो चलिए ये हो गए फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड की। और सबसे बड़ी बात यह कि जो अगर आप सिग्नेचर फ़ोटो को कम KB में 100 KB के अंदर करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको वीडियो के अंत में एक इम्पोर्टेंट ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप बड़े ही आसानी से आप फोटो का साइज कम कर सकते हैं, सिग्नेचर का साइज कम कर सकते हैं। तो चलिए हम सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नया इंटरफेस खुल करके आ गया है जहाँ पर कि जो आपका जो है सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी हुई है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो चलिए हम जल्दी से अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन भर देते हैं, उसके बाद तब आगे आपको प्रोसेस बताएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने अपना ये सारा स्टेटस भर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल का टोटल इन्फॉर्मेशन मैंने भर दिया है। आप एक से लेकर सब इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से भर सकते हैं। सबसे पहला में है स्कूल नेम, कॉलेज नेम, उसके बाद है बोर्ड यूनिवर्सिटी, पासिंग स्टेटस, पासिंग ईयर, पासिंग परसेंटेज, आपको कितना मार्क्स मिला है और टोटल कितना में कितना मार्क्स मिला है, ये भर सकते हैं। भर देने के बाद अब चेक कर लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद बस हम जो है सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर एक यह है कि जो आप जो भी है रिकन्फर्मेशन कर दीजिए प्रॉपरली एजुकेशन इन्फॉर्मेशन को, तो मैंने ओके कर दिया है। उसके बाद कुछ इस तरह से आपका जो है इंटरफेस खुल के आएगा जो कि आपको चेक करना होगा कि जो कहाँ से क्या है नहीं है, क्या क्या आपकी जानकारी थी जो कि आपने भरी है, और जो भी जानकारी आपने भरी है उसके तहत आपको यहाँ पर टिक करना होगा जिससे कि कन्फर्मेशन में, और उसके बाद टोटल जानकारी चेक करने के बाद आप यहाँ पर टिक कीजिए कन्फर्मेशन में टिक करके, उसके बाद कन्फर्म कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आया हुआ है जिससे कि जो यहाँ कह रहा है कि जो बिफोर कन्फर्मेशन प्लीज़ चेक ऑल योर इनपुट डाटा प्रॉपरली, आर यू श्योर यू वांट टू कन्फर्म इट। यहाँ पर कह रहा है कि कन्फर्मेशन से पहले आप सब डाटा को बढ़िया से चेक कर लीजिए कि आप इसमें सही भरे हैं और आप कंफर्म हैं, तो आप इसके बाद यस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का मोड आएगा लिखा हुआ, प्रोसीड टू पेमेंट, ये सबमिट होने के बाद आपका फॉर्म प्रीव्यू में चला गया। प्रीव्यू में होने के बाद उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट आएगा, ये सारी जानकारी आपका यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ रहेगा। तो आप सिंपली प्रोसीड टू पेमेंट में जाइए। प्रोसीड टू पेमेंट में जाने के बाद यह देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर साइंस के लिए 1000 रुपी लगता है जो कि आपको पे करना होगा 1000 रुपी। तो आप सिंपली यहाँ पर पेमेंट टाइप में जो है पेमेंट टाइप में आप इस एरो पर क्लिक करके इस एरो पर क्लिक करके आप जो है अपना पेमेंट मोड चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, या आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहे तो ऑनलाइन चूज़ कीजिए, या ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑफलाइन चूज़ कीजिए। तो मैं ऑनलाइन करूँगा तो ऑनलाइन, या ऑनलाइन कीजिएगा तो ऑनलाइन। तो यहाँ पर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपका ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग अदर से।
तो मैं अगर डेबिट कार्ड से करूँगा तो कुछ इस तरह से ये आएगा, जो कि आपका डेबिट कार्ड चार्ज 1.1% फी लगेगा, जो कि जो 11 रुपी 94 पैसे आपका होता है ये। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आया है क्लिक हियर टू पेमेंट, क्लिक हियर टू पेमेंट में क्लिक करने के बाद थोड़ा देर वेट करना होता है। उसके बाद कुछ इस तरह का आपका मोड खुल के आ जाएगा, जिसमें कि आपका डेबिट कार्ड सब डिटेल मांगा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना कार्ड नंबर भर सकते हैं, डेट ऑफ एक्सपायरी, CVV, नेम ऑन कार्ड भर करके आप में पेमेंट में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका पेमेंट होने के बाद आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। PDF डाउनलोड होने के बाद बस सिंपली आप उस PDF को अपना प्रिंट आउट निकाल करके सिंपली सेव कर लीजिए। उसके बाद बस इसको आप एग्ज़ाम देने के लिए चले जाइए। एग्ज़ाम के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो बुलाया जाएगा, आपका PDF जो है पार्ट ए और पार्ट बी में आएगा, तो वो फॉर्म को लेके आपको जाना होगा, उसमें काउंसलिंग में मांगा जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब फोटो रिड्यूस की बात करते हैं कि जो फ़ोटो किस तरह से, दोस्तों फ़ोटो रिड्यूस के लिए सबसे बेहतरीन जो ऐप है यह है क्यू रिड्यूस लाइट। यह क्यू रिड्यूस लाइट है। यह आप सिंपली प्ले स्टोर पर जाएंगे, यहाँ पर जिस तरह से लिखा हुआ है क्यू रिड्यूस लाइट, ये आप एंटर करेंगे, उसके बाद सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा और आप आसानी से अपना फ़ोटो रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक फ़ोटो रिड्यूस भी करके दिखाता हूँ। थोड़ा वेट करना पड़ता है, उसके बाद आपका फ़ोटो जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं हमारा फाइल 98.95 KB का बन चुका है, जो कि अपलोड करने के लिए तैयार है। तो इस तरह से आप रिड्यूस करके आप अपना समय भी बचत कर सकते हैं और आपका आसानी से काम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि इससे आपके दोस्तों को भी फायदा पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ख़त्म कर दे। थैंक यू।